उन्होंने इस बात से इनकार किया तो उन्होंने झूठे तहसील लूटने के झूठे आरोप में और उनको मानो यहाँ गिरफ्तार करके मानो जो आईसन में और मानो सामूहिक रूप से 57 परिवारों को फांसी दी गई थी। जलियाबाग से भी ये कर्रा कांड या 70 परिवारों को सामूहिक रूप से फांसी दी गई। आज नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी देख रहे हैं अनदेखा ब्रज और मैं हूँ आपके साथ सूरज। दोस्तों अभी हम आप पहुँचे हैं अड़िंग में, अड़िंग पड़ता है मथुरा में। जैसा कि आप मेरे पीछे ये किला देख रहे हो, यह है अड़िंग का किला। दोस्तों यह बहुत ही हिस्टोरिकल किला है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे 1857 की क्रांति में 80 राजपूतों को इसी किले में फांसी दी गई थी, जो कि मथुरा की सदर तहसील है। वहाँ से उन पर चोरी का आरोप लगा दिया गया था और अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी दी। उसके बाद में ब्रज क्षेत्र के अलावा और भी भारत में जगह जगह क्रांति के लिए आवाज़ उठाई गई, वो फांसी भी यहीं पर दी गई थी। और जिन लोगों को फांसी दी गई थी उनमें से जो है दो लोग बच गई थी, मतलब दो गर्भवती औरतें, उनका परिवार आज भी अड़िंग में रहता है। तो उनसे हम आपको मुलाकात कराते हैं। तो साथियों, जो अड़िंग के कहते हैं महल में या किले में जो 80 राजपूतों को फांसी दी गई थी, उनके जो परिवारजन हैं आज के जो हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें यहाँ के बारे में डिटेल में बताएंगे और मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। पहले तो नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम साहब मान सिंह है। अच्छा। मेरा नाम कन्हैया ठाकुर, गांव अड़िंग। तो जो फांसी दी गई थी 1857 क्रांति में, तो जो आपके ही जो है पूर्वज थे वो? हाँ जी, हाँ हमारे पूर्वज थे, क्योंकि यहाँ पे जो क्रांति की अग्नि चेताई गई थी, ज्वाला उठी थी, जो अग्नि आज़ादी की अंग्रेजों की लड़ाई खिलाफ में लड़ाई में, तो उसमें कुछ चंद पैसों के लिए 50 रुपये की झूठा आरोप लगा के 57 परिवारों को फांसी दे दी गई थी। उसमें हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्गों के नाम है सीसाराम सिंह और गंभीरा सिंह और ढोकला सिंह, इनके सह परिवार सहित सभी को फांसी दे दी गई थी। केवल दो गर्भवती औरत बची थी, उन्हीं का आज परिवार है और सब पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका आप था। आप उन्हीं के परिवार में? हाँ, हम उन्हीं तो के परिवार। ये कौन सी पीढ़ी है उनकी? ये तो करीब करीब बहुत पीढ़ी पर चल चुकी है। 1857 की बात आप मान सकते हो कि 200 से 300 साल बीत चुकी हैं, तो काफी पुरानी बात है। तो मतलब जो कहते हैं कि फांसी दी गई थी वो कहाँ पे दी गई थी? वो इसी किले में दिया गया था, लेकिन अब वो सब गिर चुका है, ये तो दोबारा मरम्मत की गई है सरकार द्वारा। तो साथियों, ये जो है वहाँ जो परिवार को फांसी दी गई थी वहाँ के परिजन हैं और अधिकतर लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं है। और जो कुछ अंदर सबूत हैं कुछ वो हम आपको दिखाएंगे और किला भी दिखाते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। आराम से हेलो हेलो। जैसा कि दोस्तों कहा जाता है, इस किले का निर्माण जो है खोदामल थे जाट कुंतल राजा, उन्होंने करवाया था, लेकिन अभी तो कुछ इस स्थिति में है। और जैसा कि अंदर कुछ अवशेष बचे हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम मरम्मत हुई थी इसकी? अभी ये सब मरम्मत का ही काम है, नहीं पहले तो खंडर हो गया ये। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चूना पत्थर का बना हुआ किला है और जो ईंटों का बना हुआ, जैसा कि राजस्थान में किले होते हैं ज़्यादातर पत्थर वगैरह से बनते हैं, ये ककैया ईंट होती है पुरानी वाली पतली वाली, उनसे बना हुआ है। तो किला वगैरह तो कुछ रहा नहीं, जो शहीदों की याद में कुछ है बस यही खंडर बचा हुआ है। कुछ सुविधा वगैरह मिली है कुछ सरकार की तरफ? कुछ नहीं मिली है ज़्यादातर साहब। लोग आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हो? हमारी तो जी मांगे कि याददाश्त रही, जो हमारे ऊपर खंड जो अगर किले में मतलब जिनको फांसी लगी तो उनको मतलब जैसे हमारी याददाश्त रही आवे, उन्हें मूर्ति लग जाए। कि आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं यहाँ का, देखिए और कुछ है नहीं, बस खंडर ये चारों तरफ। किला पहले जो है पुराने समय में काफ़ी बड़ा हुआ करता होगा, लेकिन अभी तो कुछ यहाँ पर रहा नहीं है, बस इतना ही है जो कुछ है। सब जो है अभी ध्वस्त स्थिति में है, बस अवशेष और खंडर कुछ बचे हुए हैं यहाँ पे।
मेरा नाम ठाकुर पदम सिंह है। जैसे भरतपुर नरेश सूरजमल को उनकी वीरता के इनाम पर वहाँ की सीट दी गई थी, तो सूरजमल ने ही अपने मानो एक चौकीदार के रूप में चौकी स्थापना अड़िंग किले के रूप में यहाँ कर दी गई थी। इसके बाद में क्या होता है, इनका कोई वंश नहीं चला और ये ऊपर सधार गए, अंग्रेजों की सत्ता शासन हो गई। अंग्रेज अधिकारी कौन था वो अलग बात है। तो उन्होंने मीटिंग करे, क्या कही, एक हथनी को एक बोतल दारू पिला करके और गांव में भेज दिया गया। और जब गांव में भेज दिया गया तो गांव में निकलने बाजार के लबे वो ठाकुर मोहल्ला ही मानो जो पड़ता है, और वहां उस हथनी ने एक छोटी अबोध बच्ची को रौंद दिया। उससे एक बेहद क्रोध आक्रोश जाहिर हुआ और उसमें हुआ ये, फिर उन अंग्रेजों ने उनको सुलह के लिए यहाँ मानो बुलाया गया किले पर। तो सुलह के लिए बुलाया गया, उसमें 15-20 जो लोग थे आयुष में हम मोहल्ले के बुजुर्ग लोग, वो मानो आए कि ऐसा आपने क्यों किया, क्या बात है और किस तरीके से। उन्होंने यहाँ बुला करके खुफिया ने उसमें पैसे खाए और बुला करके उन्होंने उनसे खूब कहा कि आप हमारी बातें मान लो, आप नज़रें झुका लो और हम आपको मानो जो रिहा कर देंगे। उन्होंने इस बार से इनकार किया तो उन्होंने झूठे तहसील लूटने के झूठे आरोप में और उनको मानो यहाँ गिरफ्तार करके मानो जो आईसन में और मानो सामूहिक रूप से 57 परिवारों को फांसी दी गई थी, जिसमें धोकला, सीसाराम, गंभीरा, बाबा हरदेव सिंह, सीताराम, फकीरा, इनका ये वंशज जो थे उनको सामूहिक रूप से न मानने पर यहाँ जो है मानो फांसी मानो दे दी गई। आज उनके वंशज आज बुढ़िया जो थी गर्भवती थी उसमें जाटप अड़िंग के गाँव में थी हैं और बिरथरे ब्राह्मण अड़िंग के हैं, उन्होंने दोनों दादियों को और सहयोग करके मानो जो है मदद करके उनकी मानो जो है पियर पहुंचा दिया गया। और उसके बाद में फिर यहाँ पुनः यहाँ जो आयसन में वो उनका रहन सहन उनका यह परिवार हुआ। आज लगभग नहीं है 70 ठाकुर यहाँ गौर वंश के सूर्यवंशी परिवार है। ये 11,000 की यहाँ पोलिंग है, 28,000 की यहाँ मानव आबादी है, लेकिन आज तक न इसको टाउन एरिया नगरपालिका कोई भी दर्जा नहीं दिया गया। उस समय ये अड़िंग ये तहसील थी, जिस किले पर मैं मौजूदा बैठा हुआ अपना जो विचार व्यक्त कर रहा हूँ ये उस समय ये तहसील थी, और तहसील पे उनको फांसी दी गई थी, झूठा आरोप लगाया था तहसील लूट में। और जब एंड हुआ तो तहसील के खजाने में केवल 50 रुपये रोकड़ी थी, ले कोई शासन प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो मेरा जो निवेदन है वो यही है कि जो फाइटर फीडर है महान देशभक्त शहीद स्वतंत्रता सेनानी परिवारी जनों को, और जो है कम से कम मान सम्मान दिया जाए जिससे उनकी आत्माओं को मानव जो आयुष में तसल्ली शांति को पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों अभी हम किले के ऊपर खड़े हुए हैं, किले का सेकंड फ्लोर है, वैसे इसमें यही फ्लोर है और कुछ है भी नहीं, पूरा खंडर हो चुका जैसे कि आप देख रहे हो। पीछे कुछ अवशेष बचे हुए हैं, हमारे पीछे है अड़िंग कस्बा और सूर्यदेव भी हमारे जा चुके हैं। समय हो चुका है 6 बजे के और हम यहाँ 3 बजे आए हुए थे, तो हमें काफ़ी समय हो चुका है। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में। और यहाँ पे हमारे कुछ अड़िंग के नए बने हुए मित्र, मिलते किसी और वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।